नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना की बड़ी भयावह तस्वीर है। 3,46,000 का आंकड़ा पार करने के बाद जिस तरीके से मृतकों की संख्या बढ़ी है 2624, और इसके बाद जो आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट्स ने प्रिडिक्शन किया है कि मई मिड में पीक आएगा और उस दौरान जो एक्टिव केसेज की संख्या है वो 35 लाख तक पहुँच जाएगी। अभी 25.5 लाख है इस वक्त, जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसी आंकड़े को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उद्धृत किया और केंद्र व राज्य सरकार से यानी दिल्ली सरकार से पूछा कि आपकी क्या तैयारी है। सबसे बड़ा संकट ये है कि अभी तो जो केसेज आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर शहरी क्षेत्र हैं। गाँव में जिस तरीके से मजदूर पलायन करके जा रहे हैं और भीड़ उधर जा रही है, वहाँ पे यदि संकट पैदा हुआ तो फिर क्या होगा, क्योंकि शहर के लोग शहरी क्षेत्र में जब आए हॉस्पिटल में तो व्यवस्था चरमरा गई। न ऑक्सीजन मिल रहा है, न रेमडेसिविर मिल रहा है और त्राहि त्राहि मची हुई है। गांव का क्या होगा? इस बीच में कहते हैं ना कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, और यदि भारत को समझना है तो गाँव में जाना होगा, गाँव की तरफ देखना होगा। कुछ ग्रामीणों ने ऐसी पहल की है जिसको देख करके लगता है कि हम तो पढ़ लिख करके भी अनपढ़ रह गए, हमें रहने नहीं आया, सीखने नहीं आया। मध्य प्रदेश का एक गांव है, बैतूल ज़िला है और घोंडा डिग्री विकास खंड है, ग्राम पंचायत खादरा और बाचा गांव है जो कि सोलर गांव के नाम से मशहूर है। तस्वीरों में देखेंगे आप कि यहां पे किस तरीके से ग्रामीणों ने जनता कर्फ्यू लगा दिया और बैरियर लगा दिया। लगाने के बाद उन्होंने गांव में एक युवाओं की टीम बनाई कि कैसे बाहर से गांव को काट के रखा जाए। बाहरी लोगों का प्रवेश बैन, अंदर का आदमी कोई बाहर नहीं जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि सामान वगैरह ज़रूरी सामान है वो कैसे आएगा, तो इन लोगों ने युवाओं की एक टीम बनाई है। वो युवा जो है गाइडलाइंस का पूरा फॉलो करते हैं, बाहर जाते हैं बाज़ार में सामान ले आते हैं, नहाते हैं, सैनिटाइज करते हैं और किसी को गांव से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है और गांव में आने की भी इजाज़त नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ट्वीट करके इस गांव की तारीफ की है। तो ये सिर्फ इकलौता गाँव नहीं है जो सोलर गाँव या बाचा गाँव है, बल्कि इसी तरह की पहल जो है देव गाँव और विक्रमपुर ने भी की है। तस्वीरों में आप देखेंगे कि गाँव वाले किस तरीके से जहाँ पे गांव में एंट्री है उसी पॉइंट पे लगा रहे हैं बैरियर और रोक रहे हैं और बता रहे हैं कि बाहर आना वो जाना मना है, मास्क पहनना जरूरी है, 2 गज की दूरी रखनी जरूरी है। तो इस तरीके से गांव में पहल होने लगी है। हमें और आपको भी ये सीखने की ज़रूरत है कि कैसे बहुत ज़रूरी काम हो तभी बाहर जाएँ, अदरवाइज अपने को घरों में रखें, क्योंकि अभी पीक आने वाला है। पूरी दुनिया, सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया हलकान है। भारत की स्थिति को देख करके अमेरिका से लेकर के ब्रिटेन से लेकर के WHO तक चिंता जाहिर कर रहा है कि ये जो सेकेंड वेव आई है और जिस तरीके से भारत की तैयारी अधूरी है, सेकेंड वेव के लिए हम जो तैयारी करनी चाहिए थी वो तैयारी नहीं कर पाए, तो क्या होगा अंजाम? क्या सिर्फ 35 लाख एक्टिव केसेस तक ही रुक जाएगा? नहीं, उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि मरने वालों की संख्या 5,500 तक जा सकती है प्रतिदिन। अभी जो आ रहा है वो 2623-24 लोग आज मरे हैं। ये संख्या धीरे धीरे लगातार बढ़ रही है, पिछले 4-5 दिनों से ये संख्या बढ़ती चली जा रही है। इससे हमें सतर्क रहना है और गाँव से सीखना है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।